रायपुर रामनगर ओवरब्रिज के पास स्थित सामुदायिक भवन में लगे वाटर एटीएम कई दिनों से खराब। निगम के लाखों खर्च करने के बाद भी वाटर एटीएम में सुधार नहीं हो रहा है। वाटर एटीएम खराब होने से लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ पार्षद कार्यालय से ठीक सामने लगी पानी की टंकी में पानी की बर्बादी लोगों द्वारा किया जा रहा है। लोग नहा धोकर पानी को बर्बाद कर रहे, वार्ड पार्षद का सुख नहीं देखकर अनदेखा कर रहे हैं। CNI न्यूज रायपुर से प्रदीप के साथ छोटू यादव की रिपोर्ट। रायपुर स्वच्छ भारत मिशन को धता बताते हुए इंदिरा गांधी वार्ड के प्रभात टॉकीज दारू भट्टी से लगे सभी नालियां पूरी तरीके से जाम। नाली के कई दिन से सफाई नहीं होने की वजह से नाली का पानी पानी टंकी के वाल्व में घुस रहा है। नाली की जल्द सफाई नहीं हुआ तो कभी भी बड़ी बीमारी होने की आशंका। दुकानदारा व मोहल्ले वाले का कहना है नाली का ऊपरी तार से साफ करके पल्ला झाड़ लेते हैं शिकायतकर्ता में वहां के दुकानदार मोहल्ले वासी। CNI न्यूज रायपुर से प्रदीप के साथ छोटू यादव की रिपोर्ट। रायपुर थाना टिकरापारा पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में साउथ अफ्रीका इंडिया एवं अन्य देशों के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में सट्टा लिखते दो आरोपी को मां आसिफ योगेश अग्रवाल का गिरफ्तार कर 2,64,95,000 रुपए एवं 4 नग मोबाइल फोन सट्टा पट्टी एवं पैसा लेन देन का हिसाब जब्त किया गया। मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाया जा रहा है और वहाँ पे कैश भी होने की संभावना थी, लिहाजा थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में वहाँ पे रेड किया गया। मौके से 4 मोबाइल फोन मिले हैं, कुछ सट्टा पर्चियाँ भी मिली है और विगत दिनों जो मैचेस हुए थे उसमें जिस तरह से इन्होंने सट्टे का रकम लगाया था उसके हिसाब किताब भी मिले हैं। साथ ही मोबाइल में भी सट्टे का हिसाब प्राप्त हुआ है। CNI न्यूज रायपुर से प्रदीप के साथ छोटू यादव की रिपोर्ट। मुंगेली गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, 20 एकड़ खेत में फैले गन्ने के फसल में लगी आग, गन्ने की फसल जलकर राख। चिल्फी इलाके के सहसपुर गांव की घटना। CNI न्यूज मुंगेली से रिपोर्ट। मुंगेली हैवानियत की हद पार करते हुए फिर एक युवक ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है आरोपी बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने सुनस न जगह ले गया था। वही काफी देर तक बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर घर वालों ने खोजबीन की। इस दौरान आरोपी को बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करते पाया गया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला मुंगेली के फास्टरपुर थाने के दाबो गाँव की है। CNI न्यूज मुंगेली से रिपोर्ट। मुंगेली सड़क दुर्घटना के बाद हुआ विवाद, ग्रामीणों में आक्रोश, दो पक्षों में तनाव की स्थिति। बरेला गांव का मामला, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 12 साल के बच्ची का बाइक से हुआ एक्सीडेंट, घायल बच्ची का तखतपुर अस्पताल में चल रहा उपचार। CNI न्यूज मुंगेली से रिपोर्ट। बिलासपुर जिला अस्पताल बना मुसीबतों का अड्डा, अव्यवस्थाओं का अंबार। आधी रात में गर्भवती महिला को किया रेफर, दोपहर से एडमिट हुई महिला को आधी रात में सिम्स किया था रेफर। दर्द में तड़पती महिला को परिजन ले गए प्राइवेट अस्पताल। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर के नदारद होने से स्टाफ नर्सों ने किया रेफर। ऐसे ही अब तक कई महिलाओं को किया गया रेफर, परिजनों ने लगाया जान से खिलवाड़ का आरोप। CNI न्यूज बिलासपुर से संजय ठारवानी की रिपोर्ट। जांजगीर युवक हुआ ठगी का शिकार, अज्ञात युवक ने ठगी कर नेताजी चौक के आत निकले 37,000 रुपए। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस में कराया अपराध दर्ज। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। जांजगीर थाने का मामला। उसका कल्याण सिंह, उसको एटीएम से पैसा निकालने के लिए 2,500 रुपए निकालने के लिए अपना एटीएम दी थी, तो कल्याण सिंह द्वारा जब जांजगीर के जब फ्यूजन के बगल वाले एटीएम से पैसा निकाला गया तो उसमें पैसा नहीं निकला, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया था। CNI न्यूज जांजगीर से संजय ठारवानी की रिपोर्ट। रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5वां दिन आज, राज्यपाल के अभिभाषण में आज भी होगी चर्चा। सदन में रखा जाएगा गाय और गौशाला का मुद्दा। आदिम जाति कल्याण शिक्षा पर उठेंगे सवाल। फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र के मुद्दे पर होगी विपक्ष होगी मुखर। धान खरीदी में गड़बड़ी पर ध्यान आकर्षण के साथ किसानों की जमीन इलाज नाम में लाया जाएगा ध्यान आकर्षण। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा लाएंगे ध्यान आकर्षण। CNI न्यूज रायपुर से पंकज शर्मा के साथ छोटू यादव की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज।
अहम जरिया है आपकी भावनाओं का। हम है आपका भरोसा, खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI न्यूज़।